हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरसाइज थर्ड भी हम लोग लगा रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट द प्रीमियम ऑफ 60%। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद शेयर 60 शेयर्स हैं, उनकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, और उनको तब वो सेल करता है जब उनको प्रॉफिट होता है उस पर 60% का। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50 एंड कोटेड एट 4% डिस्काउंट एंड पेइंग 18% डिविडेंड एनुअली। फिर उनको वो वापस परचेज करता है और फिर सेल करता है 4% डिस्काउंट पे, और उसमें उनको 18% डिविडेंड का मिलता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पार्ट वन है सेल प्रोसीड, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बायस एंड हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स। तो चलिए पहले नोट डाउन करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 60, उनकी हमें नॉमिनल वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू रुपीस कितनी है 100। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? टोटल अमाउंट कितना हुआ इसका, 60 × 100 कितना हुआ, 6000 रुपीस का टोटल अमाउंट हुआ। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी आएगी बताइए, ₹160। कैसे आएगी, 100 + 60, क्योंकि यहाँ पे 60% का, देखिए एट प्रीमियम ऑफ 60%, मतलब 60 रुपीज़ 60% का उसको प्रॉफिट हुआ है नॉमिनल शेयर में, तो इससे यहाँ पे 160 रुपीज़ आया। तो यहाँ क्वेश्चन पहले क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में सेल प्रोसीड, सेल उसकी कितनी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है सेल प्रोसीड, कैसे निकालेंगे, सीधे निकाल लेंगे, ₹160 × नंबर ऑफ शेयर्स 60 इतने हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 16 6 96। तो उसको सेल उसकी प्रोसीड हुई है ₹9600 में। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, सीधे फॉर्मूले में था, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बायस, सेकंड जब उसने पहले शेयर खरीदा बेचा फिर दोबारा जब उसने किया तो नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने लिए, नंबर ऑफ शेयर्स ही बायस, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी हुई है, ₹50 दी हुई है। तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू लिखिए कोटेड एट 4% डिस्काउंट, मतलब उसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है आप बताइए, मैं तो सीधे कैलकुलेट करके लिख देंगे 4% डिस्काउंट पे। -50 × 4/100 2, तो 50 - 2 कितना होगा, 48 रुपीस मार्केट वैल्यू है उसकी। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड ही गेट्स इक्वल टू 18% है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेस्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले हमने निकाला ना सेल प्रोसीड, 9600 की उसकी सेल प्रोसीड हुई थी, तो उसके पास इस समय कितना है,
9600 रुपीज़ हैं, और हमें मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर पता है वो हमें ये है 48 रुपीज़। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कि उसने 200 शेयर खरीदे। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स। एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है कि कितना उसको एनुअली मिला। ये भी कुछ नहीं है, सीधे उसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो टोटल यहाँ पे टोटल मार्केट सॉरी सॉरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स निकाल लेंगे। शेयर्स इक्वल टू 200 इंटू रुपीस 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 10,000 रुपीस का है। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीस 10,000 इंटू 18% का रेट ऑफ डिविडेंड है, तो कितना आया रुपीस 18 इंटू 100, 1800। यहाँ पे उसको 1800 का एनुअल डिविडेंड मिल रहा है। तो देखिए सीधे इसके इजीली कितना इजीली इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। हमें सब सब कुछ बस हमें याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला निकाल, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नॉमिनल वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू आप निकाल लेंगे, सेल प्रोसीड निकाल लिया, फिर सेल प्रोसीड का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में यूज़ कर लिया नंबर ऑफ़ शेयर्स जानने के लिए कि कितने उसने शेयर्स खरीदे। जब आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स पता चल गए तो आप उनसे नॉमिनल वैल्यू आप उनके शेयर्स की निकाल लेंगे और उससे डिविडेंड निकाल लेंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, इससे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता है।